नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉफ। दोस्तों आज मेरे सामने जो पौधा है वो आप देख रहे हैं कि ये एलामंडा कितना अच्छा ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ब्लूमिंग को मतलब आगे तक जैसे विंटर से पहले तक जो है ब्लूमिंग अच्छा करें, तो इसके लिए जो केयर कर रहे हैं ये एलामंडा प्लांट को, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, ये अप्रैल महीने से ब्लूमिंग स्टार्ट किया, तो स्टिल मतलब इट इज़ ब्लूमिंग और बहुत ही अच्छा ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो कारण मतलब जो भी मैंने ये केयर किया था तो मैंने आपको शेयर किया था। तो दोस्तों इसके पहले मैंने जो है आपसे शेयर किया था कि महीने में जो है कम से कम मतलब जो दो फर्टिलाइज़र आपको इसको देना है, जिससे मतलब क्या ना आपका ब्लूमिंग अच्छा मिले। तो दोस्तों चलिए, अभी जो है देखिए करीबन जो है मानसून ख़त्म होने वाला है, तो मानसून का जो अभी कुछ दिन बाकी है, तो उससे पहले जो है थोड़ा बहुत इसको अभी केयर करना है। कौन सा केयर करने से आपका ये जो एलामंडा प्लांट है ये और भी दो महीना तक जो है ये ब्लूमिंग करें। तो दोस्तों चलिए, बरसात के सीज़न मतलब जो है लगभग ख़त्म हो रहा है, लेकिन जितना भी वर्षा हुआ तो उससे क्या है दोस्तों, जो भी महीना में हम इसका फर्टिलाइज़र दिया है, तो जो फर्टिलाइज़र एक तो इसका हैवी ब्लूमिंग इसके जो है चलते ये फर्टिलाइज़र जो यूज़ किया वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो गया, और ऊपर से जो है बरसात का पानी जो कि ये फर्टिलाइज़र का जो भी न्यूट्रिशन है वो वॉश आउट हो गया। तो दोस्तों चलिए, अभी इसको जो है केयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे तक अगर आपको ब्लूमिंग इसको मिलता रहे। पहला जो है दोस्तों, आप ये देखिए, ये जो मैंने ये इसका जो सॉयल है, ये सॉयल तो जो है बिल्कुल जो मतलब इसको मॉइस्चर मेंटेन रखना है, इसलिए पानी जो है रेगुलर बेसिस पे इसको करना है। अभी तक जो है बरसात जैसे हो रहा था तो उस टाइम छोड़ के जैसे ही इसका ऊपर का सॉइल थोड़ा बहुत सूखता है तो इसको मतलब जो है वाटरिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी देखिए, इसके ऊपर जो मैं जो पहला कह रहा है, देखिए इसके ऊपर जो है मैंने मल्चिंग करके रखा था। देखिए थोड़ा बहुत इसमें जो पत्ता है ये देखिए, ये मल्चिंग जो है ये मल्चिंग करके रखा था, ताकि ये मॉइस्चर जो है इसमें मेंटेन रहे। तो इसको पहले जो है हटा देते हैं, ये देखिए ये सब पत्ता ही है, इसमें जो है पत्ता डाल के मैंने इसको मल्चिंग करके रखा था, ताकि इसका जो डायरेक्ट जो सनलाइट है उससे क्या है जल्दी मतलब ये वाटर जो है ड्राई हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा मल्चिंग करने से इसका जो मॉइस्चर लेवल है वो थोड़ा मेंटेन रहता है। तो दोस्तों चलिए, इसको ये जो मल्चिंग मैंने हटा दिया, इसको थोड़ा सा ये जो वीड्स वगैरह है इसको थोड़ा निकाल देते हैं, और इसको थोड़ा सा गुड़ाई करना है, लेकिन इसको ज़्यादा गुड़ाई नहीं करना है, क्योंकि इसका जो रूट्स है दोस्तों, देखिए आप ये रूट्स जो है बिल्कुल ऊपर तक आ चुका है, तो हल्का हल्का इसको गुड़ाई करना है, और कैसे कौन सा फर्टिलाइज़र इसको अभी डालना है, ताकि ये जो है अच्छा इसको फिर से दोबारा जो है ये बर्ड्स आए, नया बर्ड्स आए। और ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर साइज भी देख रहे हैं, ये छोटा छोटा हो रहा है अभी, तो ये फ्लावर भी जो है अभी ये केयर करने से आपका फ्लावर साइज़ भी बड़ा होगा और नया बर्ड्स भी इसमें आएगा। तो दोस्तों चलिए, मैं वो फर्टिलाइज़र मैं आपसे शेयर करूँगा। तो पहले जो है इसको थोड़ा सा हल्का हल्का ग्रूमिंग कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का इसको ग्रोई कर देते हैं। तो चलिए, इसके लिए जो मैंने मतलब अभी जो है खाद डालना है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि ये जो खाद है ये वो बिल्कुल मतलब ऑर्गेनिक प्लस जो है केमिकल थोड़ा मिक्स करके मैंने इसको अभी फर्टिलाइज़ करूँगा, ताकि इसको जो है थोड़ा ग्रोथ भी ठीक रहे और अच्छा ब्लूमिंग भी करें। तो इसके नया नया जो बर्ड्स भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारा जो ये देखिए ये जो नया जो ब्रांचेस है इसमें से निकल रहा है, तो ये नया ब्रांचेस में अच्छा बर्ड्स आ जाए, तो इसीलिए थोड़ा बहुत अभी जो है इसको फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। तो ये फर्टिलाइज़र में ये देखिए ये जो है ये किचन कंपोस्ट है, आप इसके जगह पे काउडंग मैन्योर या तो बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और ये जो है आप देख रहे हैं ये वाला जो फर्टिलाइज़र है ये है 10-26-26, जो कि 10 जो है नाइट्रोजन, 26 जो है ये फॉस्फोरस,
एंड अनदर 26 जो है वो है पोटेशियम। तो दोस्तों इसका जो 10-26-26 है ये फ्लोरिंग के लिए बहुत अच्छा है। और तीसरा जो है आप देख रहे हैं ये पोटाश है, ये पोटाश जो है एक स्पून का जो है एक स्पून, और ये 10-26-26 जो है ये करीबन मतलब आपको ये इस टीस्पून का जो है 1/4 teaspoon आप इसमें डाल सकते हैं। और चौथा जो है ये है फंगिसाइड्स। तो दोस्तों ये डालने से मतलब आपका जो पौधा है अभी ये दोबारा जो है आपका इसमें नया बड्स आएगा और आपको जो है विंटर तक जो है इसमें आपका फ्लावरिंग होगा। तो दोस्तों चलिए मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। अगर इसको रूट्स ऊपर तक नहीं आता तो फिर इसको किनारे किनारे गुड़ाई करके आप इसको फर्टिलाइजर को डाल सकते थे, लेकिन जो है रूट्स जैसे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कहना ऊपर तक ये फैल चुका है, तो इसीलिए जो है अभी इसको ज़्यादा इतना मतलब गुड़ाई नहीं करना है और जो फर्टिलाइजर है वो ऊपर ही डालना है। तो दोस्तों ये जो फर्टिलाइजर है पूरा मैं इसको ऊपर से डाल दूँगा। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल जो है अभी इसमें जो है वाटरिंग करना है। तो इसको जो है आप देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर को कैसे मैंने इस्तेमाल किया, यूज़ किया, जो कि इसको गुड़ाई करने के बाद थोड़ा जो है गुड़ाई करने के बाद ऊपर से ये जो फर्टिलाइज़र है मैंने इसमें यूज़ किया। इससे क्या होगा आपका ये जो रूट्स है ये रूट्स भी अच्छा मतलब कहना नया डेवलपमेंट होगा और इसका जितने न्यूट्रिशंस है ये पूरा जो पौधा है पौधे में जाएगा और इसको नया बड्स भी बनेगा, नया ग्रोथ भी होगा इसका, नया ब्रांचेस भी निकलेगा और बहुत दिनों तक जो है विंटर तक जो है ये ब्लूमिंग करेगा। तो दोस्तों चलिए इसको वाटरिंग करना, इसके बाद जो है वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको मतलब रेगुलर बेसिस पे ऐसे वाटरिंग करना है ताकि इसको सूखने देना नहीं है। मैंने जो मल्चिंग किया था दोस्तों ये देखिए ये जो लीव्स है ये लीव्स से मल्चिंग किया था, तो इसको थोड़ा सा जो है मैं इसको फिर दोबारा डाल देता हूँ। तो दोस्तों चलिए अभी जो है इसको थोड़ा सा अच्छी तरह वाटरिंग कर देना है। तो दोस्तों ये वाटरिंग कर दिए, थोड़ा सा और कर देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों ये जो एलमंडा प्लांट है आप इसको जो रेगुलर बेसिस पे वाटरिंग करना इसको बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है दोस्तों इसको कम से कम जो है 6-7 घंटा जो सनलाइट है इसको प्रोवाइड कीजिए तो आपका एलमंडा भी इतना ही अच्छा ब्लूमिंग करेगा और आगे मतलब कहना बहुत दिनों तक जैसे विंटर से पहले तक, क्योंकि विंटर में ये जो है इसका डोरमेंसी पीरियड है उस टाइम इसका फ्लावरिंग जो नहीं होता है तो आपको विंटर तक ये फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपसे शेयर किया आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।